गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी बज रहा है 11, 11:15 होने जा रहा है। देख लीजिए, उल्टा घड़ी आप सभी को दिख रहा है, 11:15 हो रहा है और मेरा सुबह का काम हो चुका है, नहाना धोना हो चुका है। आज दिन है सोमवार, आज मैं सोमवार के दिन लेकिन बाल रही थी क्योंकि कल मैं नहीं धो पाई थी। संडे को बहुत ही काम था, लेट हो गया था मुझे नहाने में ही, तो मैं बाल नहीं धो पाई थी। तो आज मैं बाल धोई हूँ और आज मैं पीला सिंदूर भी लगाई हूँ क्योंकि सोमवार को पीला सिंदूर लगाते हैं। सोमवार, बुधवार और शनिवार के 3 दिन मैं पीला सिंदूर लगाती हूँ, तो मैंने आज पीला सिंदूर लगाया हुआ है। और आज अभी चल रहे हैं किचन में क्योंकि किचन में इस टाइम खाना वगैरह, खाना दोपहर का नहीं बनाया, चावल नहीं बनाया है, लेकिन नाश्ता बन चुका है। आज मैं स्पेशल कुछ बनाने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ आज बनाने गुलाब जामुन। तो किसको किसको गुलाब जामुन खाना है, हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप सभी को देखने को भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा और लास्ट में खाने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में पूरा बने रहिए किस तरह से आप सब बनाते हैं और कैसे मैं बना रही हूँ। बहुत दिनों बाद मैं ट्राई कर रही हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ा पैकेट है सीमा पाउडर का, तो कितने दिनों से मैं सोच रही थी बनाने के लिए लेकिन बना नहीं पा रही थी। और अभी बच्चे स्कूल गए हुए हैं, थोड़ा सा समय है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो पहले बना ही लेते हैं। आज बच्चे आएंगे तो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैंने किसी को बताया नहीं है, बिल्कुल आज सरप्राइज देने वाला है। तो चलिए बनाते हैं, जहाँ भी गलती होगी मेरे से आप सभी बताइएगा और अगर सही बने तो आप सब सीखिएगा भी। तो जो लोग अगर नए, इससे पहले हमारे नए, जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में, चलिए मैं चलती हूँ आप सभी के साथ किचन में। देखिए, हमारे पास ये है गुलाब जामुन का सीमा पाउडर, जो कि शादी में से ही हम घर से ही लेकर के आए हुए थे, तो इतने दिन से पड़े पड़े हमने कभी बना नहीं पा रहे थे। आज इसको मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये है सीमा पाउडर और इस सीमा पाउडर को मैं फाड़ करके, ये बहुत बड़ा पैकेट है, पूरा नहीं बनाएंगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आधा अभी बना करके ट्राई करते हैं, अगर अच्छा होगा तो फिर आधा किसी दिन और बनाएंगे। एक बार में इतना नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है, आटा गूंथने में आटा उसमें रखा हुआ है, इसलिए मैं कढ़ाई में गूंथ रही हूँ क्योंकि इसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए और आटा गूंथने के अलावा मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है, तो मैं इस कढ़ाई में ही गूंथ ले रही हूँ। आप सभी किस चीज से गूंथते हैं? मैं तो इसे दूध से गूंथूंगी। देखिए, ये मैं ले रही हूं दूध। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे, एक ही बार ज्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, तो इसको रेस्ट होने के लिए थोड़ा देर हमें छोड़ना होगा। तो मैं पहले इसी को कर दे, शांत करके मैं इसको रख दे रही हूँ ताकि आधा घंटा तक मैं इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी ताकि और भी एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाए, तब तक मैं दूसरा भी काम कर लूंगी। एकदम थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डाले ताकि गीला ना हो जाए, गीला हो जाएगा तो फिर इसकी गोली बॉल्स बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो मैं एकदम थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ ताकि बिल्कुल भी गीला ना हो, एकदम सॉफ्टनेस रहे।
गाइस इसको जितना ज्यादा आप सॉफ्ट बनाएंगे ना, इसका बॉल उतना ही ज्यादा अच्छा एकदम मुलायम, जितना मुलायम इसके बॉल बनेंगे उतना ही मतलब बिल्कुल फटेगा नहीं और बीच में टाइट भी नहीं होगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मैं गूथ करके उसके बाद मिलते हैं आपको। उतना गूथ लिए हम और एकदम सॉफ्ट आटा जैसा लोई हम इसका बना लिए हैं और अभी कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको ढक करके रख दूंगी। और ये देखिए मेरा एक गिलास भी दूध नहीं लगा, इतना सारा मेरा दूध बच गया है, बिल्कुल मतलब आधा गिलास के बराबर मेरा दूध लगा है, बहुत ही कम क्वांटिटी दूध इसमें लगा हुआ है। और अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देती हूँ, तब तक मैं अपना दूसरा काम भी कर लेती हूँ। गाइस 2-3 दिन से ना बारिश नहीं हुई है तो पौधे एकदम सूखने जैसे हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पौधों में मैं पानी डाल दे रही हूँ। सारे ही बॉल्स बना लिए हैं, देखिए कितने सुंदर सुंदर हुए हैं, ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं और अब मैं डालूंगी कढ़ाई में तेल। और सबसे ज्यादा ट्रिक तो होता है तेल का ही और ये बाउल्स बनाने के। अगर आपके बाउल्स बहुत अच्छे बने हैं, एकदम मुलायम एकदम सॉफ्ट बने होने चाहिए, इसमें दरार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर दरार नहीं होगा तो फिर फटने का डर नहीं होता है। तो मैं इसमें डालूंगी तेल और इसे फ्राई करूंगी। तेल चाहिए, देखिए कितना बढ़िया बन करके तैयार हो गया हमारा गुलाब जामुन, कितना सॉफ्ट कितना बड़ा बड़ा बना हुआ है।
अभी बच्चे आएंगे उसके बाद से देंगे। चलिए गाइस, बच्चों को निकाल करके दे रहे हैं और बच्चों को अभी तक बताया नहीं है, चलिए सरप्राइज देते हैं, क्योंकि स्कूल से आने में उन लोगों को लेट हो गया था तो दिए नहीं थे, और अभी देते हैं, देखिए कैसा रिएक्ट करता है। बुल बुल, लड्डू लड्डूली, एक तो नंबर कमाया है, ऊपर से देखो मैं तुमको क्या खिला रही हूँ, लो देखो। बन गया ये, ठीक है, बताओ मानूंगी। हाँ लो लड्डू, गुलाब जामुन, बिल्कुल होम मेड। खा के बताओ, अरे खा लोगे, तब ठंडा नहीं है, मीठा है। बस मैं देख रही थी कितना बनाई है। इसकी चोरी चोरी देख लीजिए, अब देख लीजिए इसकी चोरी पकड़ी गई ना। हाँ मैं बस दो ले रही हूँ, मन नहीं भरा है, एक भाई को भी दे दूँगी। हाँ चलो जल्दी बंद करो फ्रिज, अंदर कर दे, एकदम रहेगा तो एक दो दिन तुम ही खा लोगी, कोई और थोड़ी ना खाएगा। भैया को भी देख के आती हूँ, मैं एक बार भैया को, ये बचा हुआ तेल है तो तेल को मैं क्या करूँ, कहाँ रखूँ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, क्योंकि तेल अभी इसमें ज्यादा है, डब्बे में ही रखना होगा ना, तो इधर उधर रखेंगे तो फिर खराब हो जाएगा, दूसरा कोई एक्स्ट्रा मेरे पास है भी नहीं, इसी डब्बे में करके रखते हैं इसको। एवरीवन, तो उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, रात का समय हो चुका है, अभी हम लोग खाना खाएंगे और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ चुकी है, इसलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, कल मिलेंगे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, बाय।